मुंबई में यारी रोड स्थित चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल को कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को उन्होंने अपनी 37वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। काफी रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गए। इस मौके पर आने वाले मेहमानों में जय किशोर, तुषार कपूर, नीनी त्रिलुकेश और भी काफी सितारे पहुंचे थे और श्रीदेवी के हाथों से एक रोटी भाजी योजना का शुभारंभ किया गया। आज के इवेंट की अगर बात करें तो एक फ्री मेडिकल चेकअप रखा गया। इस चेकअप में काफी सारी बीमारियों को लेकर चेकअप किया गया। एकता मंच की तरफ से ये आयोजन किया गया था। मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज। इस मौके पर हमसे स्कूल के प्रिंसिपल अजय कौल ने हमसे खास बात की। समाजात आपले जे लोक आहेत ज्यांना उपचार करता येत नाही, जिथे मोठे मोठे डॉक्टरांकडे त्यांना पोहोचता येत नाही, एकता मंच आणि मेडिकलद्वारे त्यांना ही सर्व सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देतो। आणखी या मेडिकल कॅम्पसाठी सुमारे 2,000 ते 3,000 लोक याचा फायदा घेतात। आणखी यानंतर जे जे पेशंट्स आम्ही आयडेंटिफाय करतो, ज्यांना कॅटरॅक्ट वगैरे असेल त्यांना फ्री ऑपरेशन मोतीबिंदूचं आम्ही करून देतो, किंवा कोणाला डायलिसिसचे केसेस असतात तर एकता मंचद्वारे त्यांना सुद्धा मदत दिली जाते। सर, आजचा हा कार्यक्रमामध्ये एकंदरीत किती लोक भाग घेतले आणि काय किती डॉक्टरचे स्टाफ होते आणि काय काय? सुमारे 250 ते 300 डॉक्टर्स या कार्यक्रमात सहभागी होतात। आणखी 2-3 हजार लोकांना याचा फायदा होतो। तकरीबन ये 11वां कैंप है और 11 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। मैं 2006 से 2010 तक बॉम्बे में ही था, जब भी मैं कैंप अटेंड करता था। उसके बाद मैं भोपाल चला गया, भोपाल से भी मैं कैंप के लिए आता हूँ। अभी इस साल मैं बेंगलोर से आया हूँ कैंप अटेंड करने के लिए। और इस कैंप से लोगों को काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चेकअप हो जाते हैं, बहुत सारी दवाएँ फ्री में मिल जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज सेवा के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आज के दौर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत महंगी है। तो इसका मैं सारा श्रेय जो है वो हमारे श्री अजय कौल सर, जो कि इतने दयालु, इतने सज्जन इंसान हैं कि लोगों के प्रति उनके लिए, उनके दिलों में इतनी मोहब्बत है कि लोगों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो सब जो है लोगों को चाहते हैं कि मैं किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, तो ये फ़ायदा पहुँचाने का एक अच्छा रास्ता है। सर, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ब्लड चेकिंग ECG से लेके कैंसर डिटेक्शन तक है। जैसे आर्थराइटिस हो गया, डेंटल हो गया, स्किन चेकअप हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गई, या जनरल चेकअप हो गया, कैंसर डिटेक्शन हो गया, जो जनरल प्रॉब्लम लोगों की है वो सारे, अस्थमा हो गया, ENT हो गया, गायनिक चेकअप हो गया, तो इस तरह के सारे एक ही प्लेटफॉर्म से सारे चेकअप हो जा रहे हैं। और हर लोगों का रिस्पांस सर बहुत अच्छा है। हर साल, चूंकि मैं तो हर साल अटेंड करता हूं, तो ये मैं देखता हूं कि दिन ब दिन लोग जो है इस तरफ लोग ज़्यादा आते हैं। उनको एक इंतज़ार रहता है कि 14 अप्रैल को ये कैंप होगा, हमारा सारा चेकअप उसी में होगा, और लोग उसी हिसाब से आते हैं सर।